हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आया। ये वीडियो जो है उत्तराखंड सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जी हाँ, UKSSSC से है, जिसमें कि आप लोग की 746 वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें आप लोग के डाटा एंट्री ऑपरेटर की 431 पद, कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, संग्राहक, अमीन वगैरह की, ठीक है, लेखपाल और स्टोर कीपर, पेशकार वगैरह की जो पोस्ट निकली हुई थी, टोटल आपकी 746 वैकेंसी थी, जिसके लिए कि आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, 12 मार्च से आप लोग के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी की लास्ट डेट रहने वाली है 26 अप्रैल। तो इसके ऊपर आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन कैसे आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो यदि आप लोग ने इसकी डिटेल नहीं पढ़ी है तो इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके इसके वीडियो देख सकते हैं, इसके PDF को पढ़ सकते हैं, ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिल सकती है कि क्या क्या है, कैसे कैसे आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज है, क्या आगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली सारी जानकारी आप लोग को इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यदि आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मेरा जो वीडियो है ये ऑनलाइन अप्लाई से संबंधित है, तो इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके यहां पे आ जाएंगे उत्तराखंड सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की यहां पे जो वेबसाइट है, यहां से आप लोग को लॉग इन करना। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग को, यदि आप लोगों ने पहले से यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है इस साइट पे, आपने पहले कोई एग्जामिनेशन भरा होगा UKSSSC के थ्रू, तो आप लोग यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके और ये कैप्चा डाल करके यहाँ से लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। और यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड यूजर नेम पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से अपना पासवर्ड भी वापिस पा सकते हैं। बट यदि आप लोग न्यू स्टूडेंट है तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ से आप लोग को न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आप लोग को इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जी हाँ, इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को जो भी आप लोग का यूजर नेम है वो यूजर नेम आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, यूजर नेम। इसके बाद जो भी आप लोग की ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप लोग को यहाँ पे देनी है। ईमेल आईडी के बाद जो भी आप लोग का वैलिड फोन नंबर है वो फोन नंबर आप लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। फोन नंबर देने के बाद इस कैप्चा को आप लोग को इसी प्रकार से लिख देंगे जो कैप्चा लिया, ठीक है, कैपिटल में लिखा हुआ कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखा हुआ स्मॉल में लिख देंगे। इसके बाद आप लोग को जनरेट OTP पे क्लिक कर देना। फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे आप लोग का OTP क्रिएट हो चुका है, ठीक है, आप लोग के मोबाइल में मैसेज और ईमेल पे आ चुका है। यहाँ पे आप लोग को जो भी OTP आया वो OTP आप लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, जो भी OTP आप लोग के मोबाइल नंबर पे आया। और इसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है सेम टू सेम आप लोग उसी प्रकार से उतार देंगे, 608 जो जैसा भी न्यूमेरिकल कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट वगैरह जो भी दिया आप लोग उसी प्रकार से सेम टू सेम आप लोग को उतारना है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप लोग यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, एक पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो पासवर्ड कैसा बनाना है इसकी जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर देखिए आप लोग को साफ साफ लिखा एक कैरेक्टर का आप लोग का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कि आप लोग का एक अपर केस यानी कि ABCD, यदि अल्फाबेट है अल्फाबेट अपर होना चाहिए, न्यूमेरिकल वर्ड होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश हो गया स्टार हो गया, इस प्रकार की चीजें आप लोग को रखनी है, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने ये बनाया, MM मेरा कैपिटल में बाकी मेरे स्मॉल में, ठीक है। इसके बाद मैंने न्यूमेरिकल वर्ड डाला हुआ, एक स्पेशल कैरेक्टर मैंने हैश डाला हुआ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे स्टार हैश कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को एक स्ट्रांग पासवर्ड अपना बनाना है, उसी पासवर्ड को आप लोग यहां पे डाल देंगे, ठीक है, और उसी पासवर्ड को आप लोग यहां पे कंफर्म कर देंगे। तो ये यहाँ पे क्रिएट यूजर पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप लोग का दोबारा से लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को जो भी अभी आप लोगों ने यूजर नेम बनाया है वो यूजर नेम आप लोग को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यूजर नेम डालने के बाद जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे डाल देंगे इसी प्रकार से, और जो कैप्चा दिया हुआ बिल्कुल सेम टू सेम कैप्चा आप लोग यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। कैप्चा उतारने के बाद आप लोग यहाँ से सीधे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करते ही देखिए आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को नीचे जो बॉक्स में इसमें क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से एंटर कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से आप लोग का जो है सारा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले क्या है कि आप लोग को प्रोफाइल क्रिएशन करना है। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग को प्रोफाइल क्रिएशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, स्टेप सिक्स, ये सारे के सारे स्टेप आप लोग को पूरे करने पड़ेंगे। तो नीचे आते जाइए और सारे स्टेप पूरे करते जाइए। तो सबसे पहले आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड, तो यदि आप लोग के पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग यस करेंगे तो आप लोग को आधार कार्ड का नंबर नीचे देना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप लोग नो करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को कोई दूसरी आईडी प्रूफ यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, या तो वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को उसका नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग को आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी नेम है आप लोग का आधार कार्ड पे, वो आधार कार्ड का नेम लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। तो यदि आप लोग के पास आधार कार्ड नहीं है, जैसे मैंने आप लोग को बताया, वोटर आईडी कार्ड, जो भी चीजें वहां से सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है।
सेलेक्ट करने के बाद जो भी नंबर है वो नंबर आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब इसके बाद बारी आती है जो नीचे नेम, ठीक है, जो नेम है आप लोग का वो नेम आप लोग को नीचे देना है अपना, जो भी फर्स्ट नेम है। इसके बाद जो मिडिल नेम है मिडिल नेम दे देंगे, यदि आप लोग का सर नेम कुछ है तो यहाँ पे देंगे, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद बारी आती है, देखिए जो भी नेम आप लोगों ने ऊपर डाला, ठीक है, वो नेम आप लोग का पूरा यहाँ पे टाइप हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को जेंडर सेलेक्ट करना, मेल फीमेल जो भी है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो फादर नेम है, फादर नेम आप लोग को अब यहाँ पे सेलेक्ट करना, फादर नेम जो भी है वो लिख देंगे, फादर नेम साफ साफ लिखेंगे, ठीक है, पूरा पूरा नाम लिख देंगे, इसमें यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखना आप लोगों को। मदर नेम भी आप लोग साफ साफ लिख देंगे उसी प्रकार से। इसके बाद जो भी ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी आप लोग की अपने आप आ जाएगी। और इसके अलावा यदि आप लोग के पास कोई लैंडलाइन एसटीडी कोड वगैरह यहाँ पे है तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जीरो रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग का मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर मीन्स कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। इसके बाद बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे आप लोग का आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो एज है वो आ चुकी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है ऑप्शन वो है आप लोग की बर्थ स्टेट, जी हाँ, जो भी आप लोग की बर्थ स्टेट है वो बर्थ स्टेट आप लोग स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी आप लोग की बर्थ डिस्ट्रिक्ट है वो बर्थ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। रेजिडेंशियल एरिया जो भी आप लोग का प्लेन है हिल है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो नेशनलिटी है आप लोग की इंडियन है अदर वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है तहसील जो लगती है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बर्थ विलेज वगैरह जो भी वो भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है वेदर मैरिड, यदि मैरिड है तो यस करेंगे नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट बारी आती है वो है आप लोग की वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, क्या आप लोग के पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का, तो यदि है तो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यस सेलेक्ट करेंगे। यस सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को डोमिसाइल जो निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो डोमिसाइल इशूइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है तुम्हारी वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा डोमिसाइल स्टेट निवास प्रमाण पत्र इशू डेट कौन सा था वो डेट आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप लोग का जब डोमिसाइल है उत्तराखंड का तभी आप लोग देंगे, यदि आप लोग के पास डोमिसाइल उत्तराखंड का नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। नो करने के बाद मैं आप लोग को बता दूं ये आप लोग तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आप लोग के पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है बट आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर जो है उत्तराखंड से की हो तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे पूछ रहा है कि वेदर कैंडिडेट पास हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड स्टेट से आप लोगों ने हाई स्कूल करी है तो यहाँ पे आप लोग को यस करना ही पड़ेगा, ठीक है। यस करने के बाद आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों ने यहाँ पे जो हाई स्कूल करी है, ठीक है, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट। इसके अलावा जो आप लोग का स्कूल का नेम था वो स्कूल का नेम आप लोग दे देंगे। और इसके बाद अब आप लोग को नीचे आना, नीचे आने के बाद आप लोग को ऑप्शन पूछ रहा है वेदर द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट इन आर्मी पैरामिलिट्री सेंटर, क्या आप लोगों के जो फादर हैं वो आर्मी पैरामिलिट्री सेंटर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द सर्विस ऑफ नो ट्रांसफर फ्रॉम उत्तराखंड, अगर है तो आप लोग यस करेंगे तो नो कर देंगे। इसके अलावा आर यू फिजिकल पीएच हैं तो यस करेंगे नहीं तो यहाँ नो रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन, कोई मार्क है तो लिख देंगे नहीं तो यहाँ पे नो मार्क्स लिख देंगे, ठीक है, इसे छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो बारी आती है वो है कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है वो आप लोग की यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने अभी जो है उत्तराखंड के हम निवासी नहीं है डोमिसाइल नहीं है तो यहाँ पे हम लोग की जो है जनरल में ही हम लोग काउंट में होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जनरल अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आप लोग को सेव पे क्लिक कर देना, सेव पे क्लिक करने के बाद आप लोग को अब नेक्स्ट कर देना। तो प्लीज सेव द इन्फॉर्मेशन एक्जेंटली क्लिक सेव बटन बिफोर द पेंडिंग डू यू वांट टू प्रोसीड, यहाँ पे आप लोग को ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद अब आप लोग को जो है नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी एड्रेस इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। अब आप लोग को जो भी आप लोग का एड्रेस है वो एड्रेस आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग का परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आप लोग यहाँ पे दे देंगे, जो भी मकान नंबर हाउस नंबर वगैरह जो भी, ठीक है। और इसके अलावा जो बिल्डिंग नेम है, ठीक है, रोड स्ट्रीट गली का नेम जो है वो डाल देंगे, ठीक है, जो एरिया लोकेशन है वो डाल देंगे। कोई चीज अगर आप लोग के में फील नहीं होती है मीन्स यदि आप लोग को एरिया का नहीं है कोई यदि बिल्डिंग का नंबर नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी जो लैंडलाइन मार्क वगैरह जो आपका एड्रेस है उसका कोई लैंडलाइन मार्क होता है वो दे देंगे, स्ट्रीट जो भी आप लोग की स्टेट है वो स्टेट दे देंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट देनी जरूरी है, स्टेट देनी जरूरी है, डिस्ट्रिक्ट देनी जरूरी है, तहसील देनी जरूरी है, और विलेज जो भी है आप लोग का विलेज या मतलब जो शहर है वो आप लोग दे देंगे। इसके अलावा पिन कोड भी देना जरूरी है और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है वो भी आप लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं यदि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोग का अलग है तो आप लोग उसी प्रकार से फिर पूरे का पूरा डिटेल भरेंगे, ठीक है। यदि कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एक ही है तो आप लोग यहाँ पे टिक कर देंगे, टिक करने के बाद आप लोग कुछ भी नहीं बनना है यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप लोग को सक्सेसफुल ओके 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 करने के बाद अब आप लोग को नेक्स्ट करना, ठीक है, नेक्स्ट फिल करना। इसमें अब आप लोग की जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो अदर इन्फॉर्मेशन, आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप लोग एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे यस करेंगे नहीं तो नो रहने देंगे, ठीक है। और इसके बाद बारी आती है
इन योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट में आप लोग जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है उसमें आप लोग रोजगार कार्यालय में नाम है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो रहने देंगे। ठीक है, यदि आप लोग यस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नेम कौन सा था आपका, अल्मोड़ा, गढ़वाल, जो भी है जहां भी वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड कब तक वैलिड है वो आप लोग यहां पे डालेंगे। ठीक है, और यदि आप लोगों ने रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो चीज सीधे नो कर देंगे, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से यदि आप लोग एक्स सर्विस मैन तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो रहने देंगे। यस करते हैं तो आप लोग को डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, सर्विस जो एक्स सर्विस मैन जो सर्विस ईयर कितनी थी, मंथ कितनी थी, डे कितने दिन आप लोगों ने काम किया। ठीक है, और जो भी आप लोगों को डिस्चार्ज डिसमिस किया गया, ठीक है, वो यस एंड नो। ठीक है, यू हैव डिस्चार्ज और डिसमिस ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड फ्रॉम डिफेंस सर्विस से आप लोग को रिटायर्ड किया गया तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा डू यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो यहाँ पे यस एंड नो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि आप लोग यस सर्विस मैन नहीं है तो यहाँ पे नो रहने देंगे। ठीक है, और डू यू हैव पेरेंटली एजुकेशन, क्या आप लोग के पास, ठीक है, आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये तो नो हो गया आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद डू यू हैव प्रिफरेंशियल एजुकेशन, या आप लोग के पास एनसीसी, एनएसएस या फिर एनसीसी या टीए वगैरह सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो रहने देंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद इज देयर एनी क्रिमिनल केस ऑफ पेंडिंग अगेंस्ट यू, क्या आप लोगों के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो रहने देंगे। ठीक है, और वेदर यू डिबार्ड, क्या आप लोगों को कभी यूकेएसएससी, पीसीएस, यूपीएसएससी, एसएसपी या एसएस अदर एसएससी बोर्ड के द्वारा कभी निकाला गया है, ठीक है, तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो रहने देंगे। ठीक है, तो इस डिटेलों को आप नो ही रहने देंगे, सब तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद जो अदर कंडीशनल डिटेल, ठीक है, अंडर कैंडिडेट डिटेल जो आप लोग को भरनी है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, आप लोग अर्बन है या रूरल है, ठीक है, जो भी है आप लोग यहाँ पे भर देंगे। इसके अलावा जो आप लोगों ने टेंथ की है वो कहाँ से की है, अर्बन से की, विलेज से, गांव से की है, शहर से, जो भी है। ठीक है, इसके अलावा इंस्टीट्यूट, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेंथ क्लास क्वालिफिकेशन मार्क, आप लोगों ने जो टेंथ की है वो प्राइवेट से की है या गवर्नमेंट से की है वो लिख देंगे। ठीक है, और फादर की क्या एजुकेशन है वो एजुकेशन आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, ठीक है, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, प्राइवेट एम्प्लॉय, जो भी है आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा मदर की कितनी क्वालिफिकेशन है वो आप लोग डाल देंगे, 12th ग्रेजुएशन, मैट्रिकुलेशन, ठीक है, या फिर बिलो मैट्रिकुलेशन, जो भी आप लोग यहाँ डाल देंगे। इसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, हाउस वाइफ है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बिजनेस है या प्राइवेट में, ठीक है, जैसा भी लिख देंगे। इसके अलावा मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग करते हैं, जो भी आप लोग लिख देंगे। फैमिली एनुअल इनकम कितनी है वो आप लोग को यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है, एनुअल इनकम। इसके बाद आप लोग को सेव कर देना, सेव करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, ओके करने के बाद फिर से ओके करेंगे, ओके करने के बाद अब आप लोगों को क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों ने जो जो चीजें कर रखी है वो आप लोग को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल की डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, हाई स्कूल यहाँ पे आप लोग डालेंगे। इसके बाद नेम ऑफ डिग्री जो भी है हाई स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो स्टेट है, किस स्टेट से आप लोगों ने किया है वो स्टेट आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद किस बोर्ड और यूनिवर्सिटी से किया है वो बोर्ड और यूनिवर्सिटी आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास है या अपीयरिंग है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन कितनी थी वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रिजल्ट टाइप कौन सा था आप लोग का, मार्क्स परसेंटेज आई थी, सीजीपी आई थी, ग्रेड आई थी, ठीक है, जो आई थी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यदि आप लोग मार्क्स सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेन कितने थे, यानी कि कितने मार्क्स आप लोगों ने प्राप्त किए थे और कितने में से आप लोगों को मिले थे वो आप लोग को यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो परसेंटेज आप लोग की यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। डिवीजन कौन सी थी, फर्स्ट थी, पास थी, सेकंड थी या डिस्टेंशन थी, ठीक है, जो भी थी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना। ठीक है, ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर दोबारा से जो आप लोग की हाई स्कूल की डिटेल है वो नीचे ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप लोग को फिर से ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आप लोग को फिर से अब यहाँ पे दूसरी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, यानी कि टेंथ के बाद ट्वेल्थ। यदि आप लोगों ने ट्वेल्थ बेस पे भर रहे हैं तो आप लोग को इंटर की भी यहाँ पे एजुकेशन देनी पड़ेगी। यदि ग्रेजुएशन बेस पे भर रहे हैं तो आप लोग को तीनों की देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग बारी बारी भर लेंगे। तो जैसे मैंने अभी हाई स्कूल की करी, अब मैं ट्वेल्थ की दूंगा क्योंकि मैं ट्वेल्थ बेस में भर रहा हूँ। तो ट्वेल्थ सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ डिग्री स्ट्रीम, बारहवीं मैंने एग्रीकल्चर से की है, आर्ट से की है, कॉमर्स से की है, साइंस से की है, जिससे की है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कॉमर्स क्योंकि मैंने कॉमर्स से की है, उत्तर जो भी आप लोगों को जिस स्टेट से की है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई या फिर इनमें से कोई नहीं है तो अदर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रिजल्ट कैसी थी आप लोग की, पास हो चुके हैं या पेयरिंग है, ठीक है, जो भी आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन कितनी थी आप लोग की, एक महीने, दो महीने, छह महीने, साल, दो साल, ठीक है,
डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रिजल्ट टाइप आप लोग का क्या था, सीजीपीए, मार्क्स सिस्टम जो भी था, ठीक है। यदि मार्क्स था तो मार्क्स पे क्लिक करेंगे आप लोग। ये क्लिक करने के बाद मार्क्स आप लोगों ने कितने प्राप्त किए वो मार्क्स आप लोग को देने पड़ेंगे। आउट ऑफ कितने में से आप लोगों ने प्राप्त किए वो लिखने पड़ेंगे, परसेंटेज आप लोग की अपने आप आ जाएगी। इसके बाद क्या डिवीजन थी आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना, ठीक है। ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे नीचे आप लोग देखेंगे हाई स्कूल और ट्वेल्थ दोनों के मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। इसी प्रकार से यदि आप लोग ग्रेजुएशन बेस पे भर रहे हैं तो आप लोग को अब यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे फिर आप लोग को उसी प्रकार से ग्रेजुएट की डिटेल देनी पड़ेगी। डिटेल देने के बाद आप लोग को यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है, फिर तीनों की तीनों आप लोग की हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये सब कुछ करने के बाद आप लोग को सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप लोग को एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। तो यदि आप लोग के पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप लोग यस करेंगे, ठीक है। यस करने के बाद आप लोग को यहाँ पे आप अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो भी प्रेजेंट हो या पास्ट की जो भी एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, पास्ट में थे एम्प्लॉई या फिर प्रेजेंट में अभी जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे भी है प्रेजेंट पास्ट जो भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट करने में वो डाल देंगे। इसके बाद नेम और पोस्ट आप लोग की क्या है वो डालेंगे। एक्सपीरियंस टाइप आप लोग का क्या है, ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस टाइप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है या मशीन शॉप में है या फिर इंडस्ट्री में, जैसा भी डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद आप डेट डालेंगे कब से कब तक आप लोगों ने जॉब जो एक्सपीरियंस ली है या फिर अभी वर्किंग में है, तो पुरानी डेट और अभी की जो डेट है वो डेट डाल देंगे, ठीक है, आज की। और इसके बाद जो ईयर मंथ वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आप लोग को, यहाँ पे आप लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप लोग किसी दो या तीन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ले रखा है तो उसी प्रकार से आप दूसरा टाइप करेंगे, ठीक है, दूसरा सेलेक्ट करेंगे उसी प्रकार से, फिर उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ पे सेव कर देंगे। यदि आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं तो सीधे आप लोग नो पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक रहने देंगे और इसके बाद आप लोग सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे अब आप लोग को फोटो और सिग्नेचर अपना अपलोड करने हैं। जी हाँ, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो अब आप लोग को यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर के बारे में मैं आपको बता दूं, फोटो जो है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसी प्रकार से सिग्नेचर आपका 3 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो आप लोग का थंब इम्प्रेशन है वो भी 3 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोग स्कैन करा के रख लेंगे और इसके बाद आप लोग को चूज फाइल पे क्लिक करके सारे के सारे फोटो सिग्नेचर और अपने थंब इम्प्रेशन को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग उस चीज से यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे इमेज अपडेट सक्सेसफुल, ठीक है, ओके पे आप लोग को क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे आपका जो प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें आप लोग सेव कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को जो है अपने जो है यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन आप लोग का हो चुका है। अब आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जी हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे जो भी ऑनगोइंग जो भी रिक्रूटमेंट चल रही है, जो भी आप लोगों ने भरी है, सारी की सारी यहाँ शो करने लगी, ठीक है। तो जो भी आप लोग को भरनी है, जैसे जूनियर असिस्टेंट, डीईओ, कलेक्टरेट, सर्वेसर, लेखपाल, रिकॉर्डर, कीपर, टेलीफोन ऑपरेटर वगैरह की, ठीक है। तो इस पे आप लोग को भरना है, फिल करना है, तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग की पूरी डिटेल यहाँ पे दे देगा, ठीक है। जो भी आप लोग की डिटेल है पूरी की पूरी डिटेल ये यहाँ पे आप लोग को दे देगा, जो भी है, जो भी फीस वगैरह जो भी लगनी है, एवरीथिंग सब कुछ आप लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ चेक करने के बाद आप लोग सारी डिटेल यहाँ पे चेक करने के बाद अदर डिटेल, अब आप लोग को यहाँ पे एक अदर डिटेल का ऑप्शन है जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं भरा। यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करना है जो आप लोग की लैंग्वेज है, जी हाँ, जो आप लोग की एग्जाम की लैंग्वेज आप लोग क्या देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो प्रीफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग कौन सा देना चाहते हैं उसको आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दो एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग को सेलेक्ट करने हैं। इसके अलावा अभी आप लोग को कुछ भी नहीं भरना, अब नीचे आना, नीचे आने के बाद बस आप लोग को यहाँ पे जो भी अपना जहां से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं वो जगह आप लोग को लिख देंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लोग यहाँ सीधे सीधे सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद सीधे सीधे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का जो ट्रांजेक्शन आईडी नंबर यहाँ पे दे चुका है, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर आईडी नंबर वगैरह दे चुका है, सारा प्रोसेस हो चुका है, यहाँ पे आप लोग को ओके कर देना। ओके करने के बाद आप लोग देखेंगे आप लोग फिर से दोबारा से फ्रंट वाले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्टेटस आप लोग को दिखा रहा है अनपेड, ठीक है। आप लोग यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, तो ऑनलाइन पेमेंट पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गो कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आप लोग को जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे भी पे करना है, ठीक है। पे आप लोग को क्लिक करना है।
पे पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप लोग यहाँ पे पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अदर बैंक क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करते हैं क्योंकि सभी के पास HDFC का बैंक कार्ड नहीं होता। ठीक है, तो अब आप लोग अदर बैंक क्रेडिट कार्ड के बाद आप लोग को यहाँ पे जो भी आप लोग का कार्ड पे जो भी आप लोग का नेम है वो नेम डाल देंगे, जो भी कार्ड का नंबर है कार्ड का नंबर डाल देंगे, एक्सपायरी डेट वगैरह जो भी दी हुई है आपके कार्ड के ऊपर वो लिख देंगे, CVC नंबर कार्ड के पीछे दिया होता है तीन डिजिट का वो नंबर यहाँ पे डाल करके आप लोग को मेक पेमेंट में आप लोग क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद मैं आप लोग को बता दूं आप लोग को फॉर्म जो भरा जा चुका है, ऑनलाइन फॉर्म आप लोग को भरा जा चुका है UK SSC का, और इसके बाद आप लोग अपना प्रिंट जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल के या फिर सेव करके अपने मोबाइल या लैपटॉप में रख लेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के अब मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियोज में आप लोग लाता रहूं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ओके फ्रेंड, बात करेंगे नेक्स्ट टाइम।